नगर निगम कोटा की ओर से शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को बुधवार को अंजाम दिया। नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता उपायुक्त के टी राठौर के नेतृत्व में दादाबाड़ी छोटे चौराहा पहुंचा, जहां से उन्होंने दादाबाड़ी क्षेत्र के छोटे चौराहे से अतिक्रमण हटाया। दूसरे चरण में अंबर डेयरी से घटोत्कच चौराहे तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। उपायुक्त ने बताया है कि अतिक्रमण हटाने से पूर्व निगम द्वारा कार्रवाई वाले स्थानों पर मुनादी करा दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए। अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क काफी चौड़ी नजर आई और सड़क पर वाहन पार्किंग की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और दूसरी बात, अंदर है अतिक्रमण का, ये देखिए आप हिसाब किताब कि अंदर का यहाँ कोई सी गाड़ियाँ आ रही जा रही है, वो तोड़ी है मेन रोड पे, इनको नहीं दिख रहा कुछ भी। अतिक्रमण का हिसाब किताब क्या है भाई? मेन ट्रैफिक व्यवस्था देखिए, उसमें है मेन चीज़, तो आप बताइए इसमें ये सारा नुकसान हुआ है लाइन। अभी हमारा काफ़ी समय से अभियान चल रहा है एनक्रोचमेंट्स को लेकर के, विशेष रूप से जो मुख्य मार्गों पर और कंजेस्टेड एरियाज में एक्सटेंड करवा करके जो बन रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उसको हम हटाने के लिए कर रहे हैं। इसके लिए प्रक्रिया हमारी यही रहती है कि हम पहले 5 दिन से अनाउंसमेंट करवाते हैं ताकि लोग अपने स्तर से ही कर लें। किसी का कोई सामान भी बाहर रखा हो, कुछ एक्सटेंशन किया हो, तो अपने स्तर से हटा लें, उसके बाद में हम फाइनल कार्रवाई करते हैं। उसके समय में जो टेम्पररीली इन्होंने एक्सटेंशन किए हैं उसको हम हटा रहे हैं, अंदर का हम कुछ ज़्यादा छेड़ नहीं रहे हैं।